This is new chapter school, शरीफाबाद campus. आज class 6 को जो lecture mathematics का जा रहा है वो है lecture number 4. अब तक हमने lecture number 3, 2 और 1 पढ़ लिए हैं और उसमें हमने फर्दर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को हमने सॉल्व किया था, सॉरी 1, 2 को हमने सॉल्व किया था और आज हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानेब. आप अपनी बुक ओपन कर लें और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पेज नंबर आपके पास 4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ मौजूद हैं और कहता है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आल्सो नेम द सेट्स एज ए कॉमा बी कॉमा सी एक्सेट्रा. मतलब यह है कि हमें एक लिस्ट बनानी है एलिमेंट्स की ऑफ द फॉलोइंग सेट्स की, ठीक है, और आल्सो नेम देने उनको ए बी सी, जो भी हम नाम देना चाहें, ए बी सी देते हैं, ई एफ जी देते हैं, जैसे हम पहले देते आए हैं उस तरह से हम दे सकते हैं कोई भी नाम उनको. सबसे पहली बात एक मैं रिव्यू करा दूं कि सेट्स को हमें लिखना किस में होता है. तो सेट्स को हमें, ये आप जानते हैं, ये क्या कहलाता है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है. और सेट को हम कोई भी नाम देते हैं तो इज इक्वल टू लगाते हैं और कोई भी नाम दे देते हैं, ए या बी या सी, कुछ भी नाम हम उसको दे देते हैं और इसके अंदर हम अपने एलिमेंट को लिख देते हैं, ठीक है. इसी तरह आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3. तो सब लोग तैयार हो जाएं और अपनी बुक का पेज नंबर 4 आज ओपन कर लें. बुक पेज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करें एक बार और कहता है मेरे पास लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आल्सो नेम द सेट्स एज ए बी सी एंड एक्सेट्रा. ओके, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ. तो पहला क्वेश्चन कहता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कहता है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, मैं आपके लिए लिख देता हूं, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है. ऑल्सो नेम द सेट्स एज ए बी सी एंड एक्सेट्रा, कुछ भी हो, ठीक है. तो पार्ट नंबर 1 कहता है मेरे पास, पार्ट नंबर 1 क्या कहता है मेरे पास, उसको जरा सा देख लेते हैं. पार्ट नंबर 1 कहता है काउंटिंग नंबर लेस देन 10. अब आप अपनी बुक की तरफ देखिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, काउंटिंग नंबर लेस देन 10, ठीक है. काउंटिंग नंबर लेस देन 10, काउंटिंग नंबर लेस देन 10 का मतलब क्या है, दोबारा सा रिव्यू कर लें आप तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी. काउंटिंग नंबर लेस देन 10 का मतलब होता है कि काउंटिंग करें नंबर 10 नहीं, लेस देन 10. तो लेस देन 10 क्या होगा, इससे लेस क्या होंगे नंबर बताएं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है. ये नंबर है मेरे पास और लेस देन 10 है, तो इसका मतलब है 10 मेरे पास नहीं आएगा. और इसको किसमें हमें पुट करना है, हमें किसके अंदर पुट करना है, एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स को जो कि लेस देन 10 है,
कौन से एलिमेंट्स आए मेरे पास, जो क्वेश्चन के अंदर मुझे कह रहा था लेस देन 10, तो लेस देन 10 में कौन से ना क्वेश्चन आए मेरे पास, कौन से नंबर आए, एलिमेंट्स आए, कौन से एलिमेंट्स आए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10 नहीं आएगा, अगेन रिपीट, 10 नहीं आएगा, ठीक है। उसको किस में लिखना है मुझे, फॉलोइंग सेट्स में, किस में लिखना है, सेट्स में। तो सेट्स में कैसे लिखूंगा मैं, आपको पता है, कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा, ये लाइन मेरे पास से रिमूव हो जाती है, और नंबर को इस तरह नहीं लिखते, मैंने फिर बताया था बीच में क्या हम करते हैं, कॉमा, हम कॉमे को इनवाइट करते हैं, ठीक है। और दुनिया में आए हैं तो कोई ना कोई तो नाम रखना पड़ेगा और सबको सलाम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू लगा के कोई भी नाम दे दें, कह रहा है आल्सो नेम द सेट्स ऑफ एज ए बी सी, कुछ भी नाम दे दें, सपोज मैंने ए का नाम दे दिया, आपकी मर्जी है आप इसको डी का नाम दे दें, आपकी मर्जी है आप इसको जी का नाम दे दें, आपकी मर्जी है आप इसको कोई भी नाम दे दें। तो मैंने यहाँ पे ए का नाम दे दिया, और ये 10 नहीं आएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस यहाँ तक करना था मुझे, दोबारा मैं रिव्यू कर दूँ, ये जो 10 है ना उससे लेस देन नंबर काउंट करके बताने थे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और उसको किस में लिखना था, इन एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स मेरे पास आए हैं उनको किस में लिखना था, सेट्स में लिखना था। तो मैंने सेट में लिखने का क्या तरीका बताया था, कि मुझे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ डाल दूंगा तो वो मेरे पास सेट्स की फॉर्म में आ जाएगी, और उसका मुझे क्या करना था, यहाँ पे ऑल्सो नेम द सेट्स, और उसका नाम भी देना था। तो मैंने इज इक्वल टू लगा कि उसका कोई नाम दे दिया, तो मैंने ए कह दिया यहाँ पे, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर मेरे पास 1 था। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, अभी आप इसमें कमेंट्स कर दें मुझे, ताकि मैं आपके कमेंट्स को आगे आपके मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके दे दूं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, ठीक है, ये मेरे पास सॉल्व हो गया। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, उम्मीद है आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्कूल में आके भी, लेकिन स्कूल वालों से अपने आप टाइम कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री कंटिन्यू है, और पार्ट नंबर मेरे पास का 2 है। कहता है मेरे पास पार्ट नंबर 2, वाउल्स इन द वर्ड इमेजेस, वाउल्स इन द वर्ड इमेजेस, इसका मतलब क्या हुआ, सबको छोड़ें बात, आप को मैं एक बात कहता हूं कि आपके स्कूल का नाम क्या है, न्यू चैप्टर, ठीक है। मैंने आपसे बात कही कि यहां पे क्या है, वॉवल्स, वॉवल्स आपके पास क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू। तो मैं आपको कह रहा हूँ ये ए ई आई ओ यू आपके पास वाउल्स होते हैं। इसमें मुझे बताएं आपके स्कूल में कितने वाउल्स आते हैं, ई ए अगेन ई, और कोई है, आई है नहीं है, ओ है नहीं है, यू है नहीं है, ए है, हाँ मैंने लिखा है यहाँ पे ए, ठीक है, ई है, मैंने ई भी लिखा है, ठीक है, ई भी लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह वॉवल्स कितने हो गए इसमें बेटा, ए ई और फिर ई, तो ए ई और ई मेरे पास वाउल्स हो गए। तो इसको मुझे क्या करना है, सेट में लिखना है, तो वो कह रहा है इसको सेट में लिख दो, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट बना दिया और इसका कोई ना कोई नाम दे दिया, सपोज ए, भाई ये मुझे करना है। आपके स्कूल के नाम से वाउल्स को मैंने डिफाइन किया और मैंने इसको सेट में करके लिख दिया।